आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। जोरहाट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के समूह कमारबंदा आली पर बनने वाले रेल ओवरब्रिज की आधारशिला रख चुनाव से पहले बड़ा संदेश दिया। आपको बता दें कि सुबह हेलीकॉप्टर से पहुंचे मंत्री ने ओवरब्रिज के साथ ही गडमूर में बनने वाले क्षेत्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी। उल्लेखनीय है कि यह जोरहाट का दूसरा रेल ओवरब्रिज होगा। कुल 87 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस ओवरब्रिज का निर्माण अगले 2 वर्षों के अंदर पूरा करने की योजना है। आधारशिला कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मंत्री हिम्मत ने कहा कि भाजपा सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। शहर के नाली में पूर्ण होने की और अक्सर पहले रेल ओवरब्रिज का उल्लेख करते हुए शर्मा ने कहा कि इसका 65% काम पूरा हो चुका है। इस साल भी इसे आगमन के लिए खोल दिया जाएगा। অত্যন্ত কম সময়ৰ ভিতৰতে নৱালী উৰণীয়া সেতু 65% নিৰ্মাণৰ কাম শেষ হৈছে আৰু 2021 চনৰ ভিতৰতে এই উৰণীয়া সেতু আমি যোৰহাট ৰাইজৰ ওচৰত লোকাৰ্পণ কৰিম। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দোহাৰিছো।